नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पंडित अबीर अभिषेक भारद्वाज और आज मैकडॉनल्ड्स पे एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी लेके आया हूँ 7 पॉइंट्स के साथ। और असेंबली लाइन सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में बहुत ही मतलब करते हैं सिंक्रोनाइज्ड और एफिशिएंट मैनर में। मतलब एक आदमी पैटी डालेगा, फिर दूसरा आदमी उस पैटी को बन से कवर करेगा और ऐसे ऐसे करके सिंक्रोनाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनर कि ऐसे कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट है क्विक वे ऑफ मेकिंग बर्गर। बहुत ही जल्दी केस स्टडी देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। क्विक वे ऑफ मेकिंग बर्गर, इससे ना बर्गर बनाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है और बर्गर बहुत ही कम टाइम के अंदर बन जाता है। मतलब ये कभी ऐसे ज़्यादा बहुत ही क्विक प्रोसेस में बिलीव करता है मैकडॉनल्ड्स। और ईच पर्सन हैज़ डिफरेंट रोल। मतलब एक आदमी बन डालेगा, दूसरा आदमी पेटी डालेगा, तो ऐसे कर करके बहुत ही हर एक आदमी का अपना एक डिफरेंट रोल है जो सिंक्रोनाइज मैनर में बहुत ही। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, जैसे वो आर्मी का मार्च नहीं होता परेड में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बहुत ही अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज मैनर में करते हैं। सिंक्रोनाइज का यही मतलब होता है अकॉर्डिंग मैनर में एकदम। और रीजनल कस्टमाइजेशन की बात कर लेते हैं, डिफरेंट फूड फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ये कभी इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन में नहीं मानते मैकडॉनल्ड्स वाले और इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन नहीं करते कि आप बोलोगे लेटेस थोड़ा सा ज़्यादा डालना, वो नहीं डालेंगे। लेटेस थोड़ा सा कम कर लो, लेटेस थोड़ा सा कम कर लो, लेटेस नहीं चाहिए भाई हमें, तो वो बोलेगा आप लेटेस खुद निकाल लो, लेकिन हम नहीं निकालने के क्योंकि हमारे लिए फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है ऐसे धीरे धीरे करके। फिर आप बोलोगे चटकारा डाल लो, फिर आप बोलोगे थोड़ा और मसाला डाल लो फ्रेंच फ्राई में, तो वो ऐसे नहीं करते। उनका एक बहुत ही मतलब ये रूल है, बहुत कड़ा नियम है कि केवल रीजनल कस्टमाइजेशन। और रीजनल कस्टमाइजेशन से मेरा मतलब है कि इंडिया के लिए चिकन वाले आइटम ज़्यादा इन्होंने बनाए नहीं, नॉनवेज आइटम्स इन्होंने कमी बनाए और वेजिटेरियन आइटम्स इंडिया में ज़्यादा बनाए क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ की वेजिटेरियन पॉपुलेशन यहाँ की बहुत है, तो इसलिए इन्होंने वेजिटेरियन पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में वेजिटेरियन पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे वेजिटेरियन आइटम्स, वेज बर्गर ये इंडिया में ही बेचता है, कहीं और दुनिया में बेचता नहीं है मैकडॉनल्ड्स। और हर एक कंट्री के लिए या फिर हर एक रीजन के लिए ये अलग अलग से आइटम्स बनाता है फूड के, कि मतलब ग्रीस के अंदर मैक ग्रीक होगा और अफ्रीका के अंदर मैक अफ्रीका होगा, यहाँ पे इंडिया में महाराजा मैक होगा और ऐसे कर करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। ग्रीस के अंदर ग्रीस चिकन भी होगा, लेकिन ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं बेचेंगे ग्रीस के अंदर जो बेचते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है, यहाँ के लोगों को मसाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो यहाँ के आइटम्स भी थोड़ी सी मसालेदार ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन को आप ग्रीक चिकन ये सब पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप मसाला डाल के चटकारा डाल के वेज बर्गर दोगे तो बहुत हमारे यहाँ पसंद आएगा, ये मैं मानता हूँ और ये मैकडॉनल्ड्स मानता है। इसलिए रीजनल कस्टमाइजेशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं और इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन में बिलीव नहीं करते। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अब ये ऐसा नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स का आपको पूरे देश में एक ही स्टोर मिलेगा, यहाँ पे भी है मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पे भी है मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे भी है मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पे भी है मैकडॉनल्ड्स, वहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ पे भी है मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे भी है मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पे भी है मैकडॉनल्ड्स। और मेरा चौथा पॉइंट है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म्स भी है जो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे कि बेन है, उन पर केस स्टडी चाहते हैं आप मैं बनाऊँ तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए नीचे। बिलीव दैट फ्रेंचाइजी ओनर इज़ फर्स्ट एंड लास्ट कस्टमर। फ्रेंचाइजी यानी कि जो स्टोर का ओनर है ना आपके, ये बिलीव करते हैं मैकडॉनल्ड्स वाले कि ये हमारा पहला और आखिरी कस्टमर है, इसकी बहुत अच्छे से सेवा करनी है हमें। और फूड इज़ टेस्टेड बाय एम्प्लॉयज़ बिफोर गेटिंग लॉन्च्ड, यानी कि पूरे इनके कैंपेन्स जो भी इनके फूड आइटम्स हैं ये सब एम्प्लॉयज़ भी टेस्ट करते हैं, एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं अपने कि भाई तुझे कैसा लगा तू बता और हम इसी हिसाब से इम्प्रूव करेंगे। और एम्प्लॉयज़ से पूछे बिना, कभी एम्प्लॉयज़ की सहमति के बिना ये कभी भी कोई आइटम फूड आइटम अपने मेन्यू में अप्रूव करते नहीं है। एंड मास्टर शेफ नॉट रिक्वायर्ड, मीडियोकर शेफ विल मेक दी बर्गर क्वालिटी ग्रेट, क्षमा चाहता हूँ। तो मास्टर शेफ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मास्टर शेफ क्या करेगा, वो अपने आराम से टाइम लेकर बहुत सारी चीज़ें डालेगा, बहुत सारी डिटेलिंग करेगा, लेकिन एक जो मीडियोकर शेफ है जो मतलब बहुत ही यंग, इसलिए यंग एम्प्लॉयज़ को भी बहुत अट्रैक्ट कर पाए हैं, वो फटाफट फटाफट पूरे पैटी बर्गर बना के पूरा मीडियोकर शेफ भी
आपको बहुत अच्छा क्वालिटी कंसिस्टेंटली बर्गर दे आपको। और पांचवा पॉइंट है इनका कट डाउन प्रोडक्ट लाइंस इन्होंने बहुत कट डाउन कर दी अपनी, कट डाउन प्रोडक्ट लाइंस सो एज टू रिड्यूस चॉइसेस फॉर कस्टमर टू मेक दी प्रोसेस स्पीड फास्टर। बनाते ही जाएंगे हम, प्रोसेस की स्पीड को फास्ट करना है। तो इन्होंने ये इवेंचुअली फास्ट करते जाते हैं अपने प्रोसेस की स्पीड, तो इन्होंने इसलिए अपनी प्रोडक्ट लाइंस को बहुत कट डाउन कर लिया। कि मतलब मान लीजिए कि बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हुई, कि 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट हुए मेन्यू में, तो आदमी 50 ऑर्डर कर लेगा, उनमें से ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, 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 तो फिर उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ये एक कस्टमर के लिए 1-2 मिनट से ज़्यादा लेते नहीं हैं, इसलिए बहुत ही क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इनके क्विक सर्विस आउटलेट्स हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब क्विक प्रोसेस में मानते हैं। इसलिए इन्होंने प्रोडक्ट लाइन अपनी बहुत कट डाउन कर दिए कि आपके पास केवल यही ऑप्शन है। मतलब आपको 10-15-20 ऑप्शन दे देंगे, वो आपको इन्हीं में से चूज करके कोई आइटम लेना है। और मेक आइदर स्मॉल आइटम्स और आइटम्स विच कैन बी कंज्यूम्ड इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट अदर कस्टमर्स डोंट हैव टू वेट, यानी कि दूसरे कस्टमर को इंतज़ार ना करना पड़े। इसलिए ना बहुत ही छोटे छोटे आइटम्स बनाते हैं, कि और कौन भी ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि कौन ऐसे टेबल पे रखी नहीं जा सकती, इसलिए क्योंकि कौन भी इसलिए ये लाए क्योंकि इन्हें लगा कि फिर आदमी गप्पे मारने में लग जाएगा और फिर दूसरे कस्टमर आके बैठ नहीं पाएंगे, ये बहुत ही ऑक्यूपाई कर लेगा हमारी सीट्स बहुत टाइम के लिए, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत छोटे छोटे फूड आइटम्स बनाते हैं, मतलब मोस्टली बहुत छोटे छोटे फूड आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि मैक पफ, आपको वो बहुत ही जल्दी खाना पड़ता है वरना वो उसका पैकेट फट के नीचे गिरने लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और उसकी सॉस पिघलने लगती है, तो आपको बहुत ही फटाफट खाना पड़ेगा, और इसलिए सीट्स अपनी ऑक्यूपेंसी कम कर पाते हैं बहुत टाइम के अंदर। एंड आउट ऑफ 100 आइटम्स रीजनल मैनेजर ओनली फाइनलाइजेस 2 आइटम्स ऑन द मेन्यू, यानी कि 100 से ज़्यादा आइटम रीजन वहाँ का मैनेजर जो होगा मैकडोनल्ड्स का, वो चेक करेगा, वो टेस्ट करेगा, लेकिन उनमें से क्या 2 आइटम्स ही डालेगा, क्योंकि वही है कि आदमी फिर ये ना कर ले कि वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो इस वजह से उनके प्रोसेस की स्पीड स्लो डाउन हो जाती। इसलिए 100 में से केवल 2 आइटम्स अपनी मेन्यू की लिस्ट पे फाइनलाइज करते हैं। और छठा पॉइंट है कि इन्हें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इंश्योर दैट द फार्मर हु सप्लाइंग द आइटम्स इज टेकिंग केयर ऑफ द फार्म प्रॉपरली, यानी ये बहुत ही प्रॉपरली, बहुत ही हाइजीनिकली, मतलब वो फार्मर आप अपने फार्म का ध्यान रख रहा है जिनसे ये सप्लाईज ला रहे हैं अपनी। 1 पेटी जहाँ से लाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि फार्मर कैसे बर्ताव कर रहा है, क्या ये अपनी फसलों पे चप्पल तो नहीं रख के चला जाता, तो ऐसे कर करके ना ये बहुत ही हाइजीनिक वो रखते हैं अपने पास। और गेट सप्लाईज फ्रॉम नियर बाय लोकेशंस सो दैट द स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गेट्स फास्टर, यानी कि ये लोकल लोकेशन से ही लाएंगे, आप USA से आइटम इंडिया नहीं मंगवाएंगे कभी, इंडिया के अंदर ही जो जगह है, इंडिया का अगर आउटलेट है तो इंडिया के अंदर से ही मंगवाएंगे, तो इससे क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड फास्ट हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी आएगा सारा सामान और जल्दी जल्दी ये बना पाएंगे फटाफट। ये क्विक प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, क्विक प्रोसेस हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी फटाफट 1.5-2 मिनट से ज़्यादा अगर लगे तो ये चीज़ कैंसिल, भाई इस चीज़ को करना ही नहीं है हमें। और ये 2 मिनट से ज़्यादा के लिए बंस भी नहीं रखते क्योंकि एकदम फ्रेश, बहुत ही फ्रेश रखना चाहते हैं, तो 2 मिनट से ज़्यादा के लिए ये बंस रखेंगे नहीं ताकि वो सड़ ना जाए। ज़रा से भी आपको सड़े बंस आज तक मिले हो ना मैकडोनल्ड्स में, मेरा नाम बदल देना। और वो बहुत ही प्रिसाइज भी होते हैं ये मैकडोनल्ड्स वाले, इंग्रेडिएंट्स के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत प्रिसाइज होते हैं कि कितना नमक डालना है फ्रेंच फ्राइज़ में, फ्रेंच फ्राइज़ की एक पैकेट में कितने फ्रेंच फ्राइज़ होंगे, तो ये इस मामले में बहुत प्रिसाइज होते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए। और सातवां है किड्स आर द की कस्टमर इन्फ्लुएंसर, बच्चे ही पापा को बोलते हैं कि पापा आज ना हमें मैकडोनल्ड्स लेके जाना, और वो क्यों, क्योंकि मैकडोनल्ड्स इंक्लूड्स अ कॉम्बो मील कॉल्ड हैप्पी मील विद फूड किड्स लाइक, एक तो हैप्पी मील है, कॉम्बो मील है, उसके अंदर बहुत सारी बर्गर, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स इंक्लूड कर देंगे उस हैप्पी मील के अंदर। एंड विद दैट हैप्पी मील दे इंश्योर अ स्मॉल टॉय, कि मतलब बच्चे को खेलने के लिए कुछ मिल जाए, तो इसलिए बच्चा बार बार पापा से बोलते हैं क्योंकि ना वो टॉयज़ की
टॉयज़ की वजह से बच्चा बहुत अट्रैक्ट हो जाता है कि पापा हमें मैकडोनल्ड्स ले जाओ आज। तो इस वजह से बच्चे की कस्टमर और इन्फ्लुएंसर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपसे अपने अगले उसमें मिलूँगा वीडियो में। नमस्ते।